शायद यहीं से अभी लेफ्ट मोड लेना पड़ेगा हमें, लेफ्ट और फिर तारा पाटी। भाई मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है यार, फिर भी कभी कभी थोड़ा सा रास्ता भूल जाता हूँ। ओ कीड़ा, अब चलते हैं जी। बादल खोरा, आसमान तो अभी बहुत साफ है जी, लगता नहीं बारिश होगी पर ऐसा ही होना चाहिए। कैमरा बहुत ज़्यादा हिल रहा है यार। देखिए जी, अगर यहाँ पे पानी ज़्यादा गिरा तो यहाँ पे ही रुकना पड़ेगा भैया, इसलिए बारिश आने से पहले यहाँ से निकल जाओ। ये लोग भी लगता है बादल खोरा से ही आ रहे। बादल खोरा, जय बादल खोरे वाले बाबा जी, जय भोलेनाथ। पिछली बार आया था ना तो मैंने देखा था यहाँ पे साइड में, लेफ्ट साइड में एक मंदिर था, मंदिर देवी का मंदिर था वो। देखो जी केले लगे हुए जी, केले। खेती का काम लगभग पूरा हो जाए यहाँ पे। सभी भक्त कहें जी, भक्त भक्तगण है, भक्तगण, बादल खोरे वाले बाबा के भक्तगण है जी। देखिए पानी झरना, मेरे गाड़ी के वाइजर से शायद आपको नहीं दिख पा रहा हूँगा। ये देखिए पानी, चलो निकलते हैं जल्दी। अरे भाई आराम से। स्पाइडरमैन। यार रास्ता बहुत खराब है, मुझे करना पड़ेगा वीडियो बंद। देखिए ये है जी वो देवी का मंदिर, रास्ता बहुत खराब है जी, बहुत ही खराब, वीडियो निकालने के लायक रास्ता नहीं है। क्या गया जी तारा पाटी। बादल खोरा कितना दूर है यहाँ से अभी?
चिल्ला रहा। चलो फिर से हमारी ओर से शुभकामना, निकलते। आधा घंटा लगेगा है ना? ठीक है, ओके। लो जी, हम आ गए अभी बादल खोरा सीधा। धन्यवाद। बादल खोरा, थोड़ा रास्ता भूल गया यार मैं। यहाँ पे मेरा एक दोस्त रहता था, अगली बार देखेंगे। रास्ता तो बहुत खराब है भैया, जय बजरंग बली, जय सिया राम। आज तो बहुत भीड़ है यार, लगता बहुत सारी बाइक दिख रही है यहाँ रास्ते पे, बहुत भक्तगण आ रहे हैं। रास्ता जब खराब हो जाता है ना, बहुत मूड खराब हो जाता है यार, बहुत मूड। अरे थोड़ा स्पीड पकड़ लेंगे यार, क्योंकि वापस भी बहुत जल्दी आना है, रात ना हो जाए। क्या रास्ते पे पानी, देखो भाई साहब रास्ते पे पानी। तो अगर इधर बारिश हो गई तो सोच लो भैया क्या होगा। नंदी महाराज चिल्ला रहा, ये गांव है जी चिल्ला रहा। तारा पार्टी के बाद चिल्ला रहा, और चिल्ला रहा के आगे फिर चालू हो जाता है रोड बादल खुरा का।
रास्ते पे जितनी भी बाइक दिख रही है ना भैया, ये सब बादल खुरा के दर्शन करने वाले लोग हैं। ये रास्ता पहले से तो थोड़ा अच्छा हुआ है, लेकिन फिर भी गड्ढे बहुत है यार। बादल करो भैया, गाड़ी जाएंगी ये रास्ते आ रही है, तो ये रास्ता इधर से आ रही है कि इधर से गाड़ी जाएगी नक्की। धन्यवाद। नहीं नहीं पूछा, क्योंकि गाड़ी अगर फंस गई तो फिर हमारे वांदे हो जाएंगे। ये सीधा। धन्यवाद भैया। भैया भटकने से अच्छा पूछ लेना। रास्ता, ऐसा रास्ता तो मुझे मालूम है यार, लेकिन कैसा, बहुत दिनों से आया नहीं ना। हमारे एक ठाकुर महाराज है, ये जलगांव वाले, उनके साथ में आया था मैं। वैसे उनको तो बहुत लोग जानते हैं यहाँ पे। ओ जी, वो रास्ता है शायद दूसरा, वहाँ से लोग जा रहे हैं। जय बोले भैया, गाड़ी जाएंगी ना? बादल करो। ये नया यूट्यूब का है भाई, यूट्यूब का मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना आप सब लोग, दिनेश ट्रैवल व्लॉग करके। कैमरा चालू है? चालू है। सब आ रहे, आप सबको अपलोड कर दूंगा मैं यूट्यूब पे। सिर्फ ये चैनल सब्सक्राइब करना मेरा, उस पर सब दिख जाएंगे आप। ये चैनल दिनेश ट्रैवल ब्लॉग देख ले रहा है, चैनल देख ला अमूल, उसका फोटो निकालो, लगा दो आप फोटो। काला रहा है, काला नहीं, अरे काले यार, आप सब लोग दिख जाएंगे उसपे। भैया मुझे वहाँ से आने को ही बहुत टाइम हो गया मालूम है, बीच में रास्ते में जलगांव से अभी हो पब्लिक अंदर, तो पब्लिक तो हालांकि है, 12 बजे आ जाते हैं ना। चालू है खाना पीना, भंडारा चालू है? भंडारा नहीं है, आना जाना दर्शन कर रहे हैं। ठीक है, गाड़ी तो पानी में से जाएंगी ना। ठीक, धन्यवाद भैया, चलना सब्सक्राइब करना भैया। हाँ MP के लोग बहुत अच्छे हैं यार, बहुत प्यारे। हमारे महाराष्ट्र में ना लोग थोड़े से ईगो वाले, ईगो। देखो भैया पानी, झरने, अरे बाप रे, इसे कहते हैं भैया प्रकृति। जय भोले।
पब्लिक देखो भाई पब्लिक, अब तो रास्ते की वाट लगने वाली है भैया। गाड़ी जाएगी ना भैया? जगह जगह पानी है भैया, जगह जगह पानी। ओम नमः शिवाय। अब देखो भैया पानी, अरे यार कीचड़ नहीं होना, कीचड़ कीचड़। कीचड़ नहीं होने को कहना भैया। गाड़ी जाएगी भैया? संभल के भैया, संभल के। गाड़ी जाएगी भैया मंदिर तक? मंदिर तक जाएगी गाड़ी? धन्यवाद। देख लो भैया बादल खोरा का रास्ता। बस बहुत नज़दीक आ गए हम, ज़्यादा दूर नहीं रहा अभी, बस शायद से आधा एक किलोमीटर बाकी होगा। बाइक जाएगा क्या भैया?
ये लो भैया, गए बादल खुरा के नदी के पास। ये देखो भैया बादल खुरा, अरे भाई गाड़ी जाएगी आगे तक, मंदिर तक जाइए, शूज निकालने पड़ेंगे। चलो कोई बात नहीं, शूज भी निकालेंगे।